मिर्जापुर समाचार एक बुलंद आवाज। सम्राट अशोक महान के ऊपर विवादित बयान देने वाला दया प्रकाश सिन्हा के इंटरव्यू की प्रतियां जलाकर किया गया विरोध प्रदर्शन। विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नाट्यकर्मी दया प्रकाश सिन्हा के द्वारा एक इंटरव्यू में सम्राट अशोक महान के ऊपर दिए गए विवादित बयान को लेकर राष्ट्र तथा संविधान में आस्था रखने वाले लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। कहीं दया प्रकाश सिन्हा के बयान की प्रतियां जला जा रही हैं तो कहीं देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है, यानी पूरा देश दया प्रकाश सिन्हा के कृत्य की निंदा कर रहा है। आपको बताते चले कि दया प्रकाश सिन्हा पूर्व IAS भी रह चुके हैं तथा वर्तमान समय में नाट्यकर्मी भी हैं तथा उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है, लेकिन इतना कुछ होते हुए भी उनके द्वारा दिया गया विवादी बयान उनके कृत आदर्शों को दर्शा रहा है। दया प्रकाश सिन्हा को यह नहीं पता कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। किसी भी अपर अधिकारी के कंधे पर लगने वाला यही अशोक स्तंभ है और उस महान शासक के ऊपर गलत टिप्पणी करने वाला तुच्छ मानसिकता वाला दया प्रकाश सिन्हा संविधान की ये कथा अखंडता व संप्रदा को ठेस पहुँचाया है, जिसके लिए पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। जहाँ एक तरफ भारत तथा UP के सूबे की सरकार तथा गौतम बुद्ध चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक महान के गुणगान करते हैं, वहीं सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित दया प्रकाश सिन्हा विवादित टिप्पणी कर देश के संविधान व राष्ट्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जो कि देशद्रोह है। अब विरोध में कई राजनीतिक दलों सहित अनेक समाजसेवी संस्था भी दया प्रकाश सिन्हा के ऊपर मैदान में उतर गई हैं। इसी कड़ी में अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट और निष्पक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा दया प्रकाश सिन्हा के बयान की प्रतियां जलाकर उनकी निंदा की गई और सिन्हा को पर भारत सरकार से देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करते हुए पद्मश्री सम्मान को वापस लेने की मांग की गई है। इसी दौरान अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न सिन्हा, निष्पक्ष चैरिटेबल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुशवाहा, आनंद रत्न शिवम कुशवाहा, बीके सिंह, अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रताप नारायण सिंह, राष्ट्रीय सचिव राजकमल सिंह, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अतुल कुमार मौर्य, प्रदेश सचिव बृजेश कुमार सिंह, प्रदेश प्रवक्ता सिद्धांत वर्धने उपस्थित रहे। ये जैसा कि दया प्रकाश सिन्हा जो कि एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और इनको पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है और इनका एक विवादित बयान आया था सम्राट अशोक पे, जो कि सम्राट अशोक एक ऐसा राजा है, इनके अनुसार कि सम्राट अशोक एक कामुक राजा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने इस तरह के विवादित बयान दिया कि कामुक राजा और कामाकचार, तो इस तरह से एक सम्राट अशोक जैसे राजा पर लांछन लगाना ये सही बात है। इनकी प्रतियों को जला के ये हम सरकार से गुहार करना चाह रहे हैं कि इनको एक कड़ी से कड़ी सजा देने का प्राविधान करें। और ये बताइए, ये किस पेपर का है? ये नव भारत टाइम्स का है। इंटरव्यू इनका है? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या कहे हैं वो सम्राट अशोक के बारे में? ये बोले हैं कि जो सम्राट अशोक हैं, औरंगजेब जैसे क्रूर मुगल सम्राट राजा से इनकी तुलना की गई है और इनको कामुक और कामाक्षा टाइप के वर्डों शब्दों से इनको यूज किया गया इनके चरित्र पे। जी जी, लेकिन सम्राट अशोक का दिया हुआ भारत का, यानी इंडिया का, भारत का ये भारतवर्ष का है, प्रतीक भी है, चिन्ह भी है। जी बिल्कुल, देश का राष्ट्रीय चिन्ह भी उन्हीं का दिया हुआ है। जी, तो ये तो सरासर गलत हुआ है। तो क्या चाहेंगे आप, क्या मांग करते हैं सरकार से? हम सरकार से ये मांग करते हैं कि अगर इस तरह के जो निंदनीय घटना हुई है, इस सम्राट अशोक की मैं लाड दिखाना चाहता हूँ, जो कि जिस स्मृति चिन्ह से, जिस राष्ट्रीय चिन्ह से सुशोभित उनके कंधों पे लगी हुई जो वो पद्मश्री अवार्ड है, उनको छीन लिया जाए, वापस कर लिया जाए और इसको देशद्रोह का मुकदमा भी लगाया जाए, ताकि इस तरह से आने वाले समय में कोई इस तरह का घटना, इस तरह का वाक्यांश, इस तरह के इंटरव्यू ना दे सके, क्योंकि एक संविधान का हनन है। किसी भी संवैधानिक चीज़ पर इस तरह का टिप्पणी करना ये गलत है। हमारी पूरी टीम इस चीज़ को मांग करती है, इनको दंड दिया जाए। जो कि पूर्व IAS अधिकारी थे दया प्रकाश सिन्हा जी, उन्होंने सम्राट अशोक के बारे में ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो कि बिल्कुल ही असंवैधानिक और ऐसे गरिमामयी सम्राट जो भारत देश के सिर्फ एक ही सम्राट थे, वहीं लास्ट थे, वहीं अंतिम थे, तो उनके बारे में कहा गया कि उनकी तुलना एक दुस्साहसी शासक औरंगजेब से के बारे में तुलना किया गया और उनको कामों जैसे शब्दों से परिभाषित किया गया कि वो एक राजा, एक दुस्
दुशासी राजा था जो कामुक में पूरा बंधा हुआ, और ये ऐसे संतोषों को प्रदर्शित किया गया, जो कि ये बिल्कुल भी गलत है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग आज अपनी टीम के साथ जुटे हुए हैं कि उनके उस इंसान का पुतला जलाया गया विज्ञप्ति लेकर, और कुछ विज्ञप्ति हम लोग थाने पर भी दिया गया ताकि ऐसी भविष्य में घटनाएं ना हो। और हम लोग ये चाहते हैं सरकार से कि उनको जो भी सम्मान दिया गया सरकार की तरफ से, ऐसे नीच काम के लिए, नीच वर्ड यूज करने के लिए उनको उस पुरस्कार से उनको बर्खास्त किया जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। जी जी जी